हेलो दोस्तों, मैं जगदीप सिंह आपका स्वागत करता हूं ग्रो यूट्यूब चैनल में। जैसे कि आपको पता है कि ग्रो मीट्स के अंदर हम अलग अलग एक्सपर्ट्स को लेके आते हैं जो आपके इन्वेस्टमेंट रिलेटेड क्वेश्चंस का बहुत डिटेल में आपको बताते हैं, और हम ट्राई करते हैं कि हर बार एक्सपर्ट्स को अलग अलग फील्ड से लेके आया जाए ताकि आपकी नॉलेज का होराइजन बहुत अच्छे तरीके से एक्सपेंड हो। और उसके चलते आज के ग्रो सेशन में हमारे साथ हैं सुनील सुब्रमण्यम, एमडी ऑफ सुंदरम एसेट मैनेजमेंट कंपनी। वेलकम सर ग्रो के यूट्यूब चैनल में, मैं आपका स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। तो आज का, जैसे कि आपको पता है दोस्तों कि रिसेंट के टाइम में जब से कोविड सिचुएशन आया था तो इन्वेस्टर्स बहुत तरीके से कंफ्यूज्ड हैं अपने लॉन्ग टर्म गोल्स को लेके, शॉर्ट टर्म गोल्स को लेकर और इन्वेस्टमेंट्स को लेके। और हम ट्राई करेंगे कुछ ऐसे क्वेश्चन सर से पूछें ताकि आपकी नॉलेज को एक तो एक्सपेंशन मिले, और दूसरा जो आपके मन में कोई भी डाउट आ रहा है इन्वेस्टमेंट रिलेटेड उनको हम क्लियर करवाने का ट्राई करेंगे। सर आप कुछ हमारे व्यूअर्स को कुछ बोलना चाहेंगे जिससे पहले कि हम क्वेश्चंस पे? वही कहूंगा मैं कि हादसाएं आती जाएंगी, मगर लॉन्ग टर्म हमारी गोल रास्ता पक्का होना चाहिए, राइट। जैसे दिल्ली से समझिए जयपुर जाते हैं या दिल्ली से मुंबई आते हैं, तो डेस्टिनेशन आपका क्लियर कट सामने आपको दिखना चाहिए। रास्ते में कुछ कटे आएंगे, कुछ स्पीड ब्रेकर आएंगे, आपको स्लो डाउन करना होगा, स्पीड अप करना होगा, वो बात अलग है, मगर डेस्टिनेशन को कभी भूलिए मत। थैंक यू सर। तो सर चलते हैं सबसे पहले क्वेश्चन पे। तो जैसे कि दोस्तों आप सबको पता है कि जब भी आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हो तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जैसे कि सर ने भी अभी बताया, आपका गोल कि आपको कहाँ पहुंचना है। और गोल की अगर मैं बात करूं तो गोल मेनली दो तरीके के हो सकते हैं, जैसे कि हम बाइफर्केशन करते हैं इंडस्ट्री में, शॉर्ट टर्म गोल और लॉन्ग टर्म गोल्स। और दोनों गोल्स के लेके अगर आपका गोल अलग है तो आपका इन्वेस्टमेंट करने का तरीका, चाहे वो म्यूचुअल फंड में हो या स्टॉक्स में हो, वो दोनों पूरे तरीके से अलग हो जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन सर जो मेरा आपसे है वो ये है कि अगर मान लो कि दो तरीके के लोग हैं, एक जिनका शॉर्ट टर्म गोल है या लॉन्ग टर्म गोल है, पहला तो इनको बाइफर्केट कैसे एक अच्छे तरीके से कर सकते हैं, और दूसरा ये गोल्स को लेके हम अपने इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी म्यूचुअल फंड में कैसे बना सकते हैं ताकि हम एक बहुत अच्छा म्यूचुअल फंड चूज कर सकें। ठीक है, ब्रॉडली आप म्यूचुअल फंड की बात कर रहे हैं तो दो तरह के फंड्स होते हैं, राइट। एक इक्विटी फंड होता है और एक डेट फंड होती है, राइट। और इसके बीच में जो कुल मिला के थोड़ा इक्विटी थोड़ा डेट वाले हाइब्रिड फंड्स होते हैं। तो तीन कैटेगरी आप मान के लीजिए कि म्यूचुअल फंड में है। तो किसी भी व्यक्ति को कोई प्लानिंग करना है तो शॉर्ट टर्म के लिए तो नेचुरली उसकी डेट की एलोकेशन और हाइब्रिड की एलोकेशन ज्यादा होनी चाहिए, और लॉन्गर टर्म में इक्विटी का एलोकेशन ज्यादा होना चाहिए। कारण इसका सिंपल है कि इक्विटी एक वॉलेटाइल एसेट क्लास है, और डेट में भी वॉलेटिलिटी है, ऐसा नहीं कि वॉलेटिलिटी नहीं है बट बहुत कम है। और सही तरह से डेट फंड चुनने से आपको एक सेफ्टी और अलग अल्टरनेटिव एसेट क्लासेस जैसे बैंक डिपॉजिट हो, सेविंग्स अकाउंट हो, उनसे बेहतर रिटर्न मिलने की आशा रख सकते हैं। तो मेरे ख्याल में आपके मन में ऐसी अलग ऐसी एलोकेशन होनी चाहिए कि शॉर्ट टर्म के लिए 55-60% आपको डेट में रखना चाहिए, 10-20% हाइब्रिड में, और 10-20% आप इक्विटी में लगा सकते हैं। वो एक आइडियल एलोकेशन होगी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर के लिए। तो सर ये जो आपने कैटेगरीज जैसे कि मैं बताई, इस कैटेगरीज के अंदर भी बहुत तरीके के वेरिएशन होते हैं, तो वहां पे इन्वेस्टर्स कैसे चूज कर सकते हैं? मान लो कि मैंने एक इक्विटी चूज कर लिया या मैंने डेट चूज कर लिया, उसके अंदर भी हम अपने गोल्स को कैसे मैप कर सकते हैं उन पर्टिकुलर एसेट क्लास के अंदर अगर हमें बाइफर्केशन करना है तो? तो इसमें इक्विटी और डेट में ज्यादा दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि इक्विटी सभी एसेट क्लास इक्विटी के अंदर जो होते हैं, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, सभी रिस्की होते हैं। अलग लेवल का रिस्क है मगर बेसिकली रिस्की एसेट क्लास है, ये भूलने का नहीं भूलने का है। एट द सेम टाइम डेट के अंदर भी जो वेरिएशंस मिलते हैं, मैं कहूंगा कि डेट के अंदर भी सुपर शॉर्ट टर्म और शॉर्ट टर्म ऐसे एक फर्क करने की जरूरत है, क्योंकि सुपर शॉर्ट टर्म में आपको सेफ्टी ऑफ द कैपिटल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वेरस जो शॉर्ट टर्म आप बात करते हैं समझिए 3 साल तक, तो उस शॉर्ट टर्म में डेट में आपको टैक्स एडवांटेज लॉन्ग टर्म इंडेक्सेशन का जो गवर्नमेंट देती है इस कैटेगरी को, उससे और डेट की इंटरेस्ट रेट मूवमेंट से थोड़ा लाभ बन सकता है। तो मेरे ख्याल में आपको शॉर्ट टर्म गोल्स में भी आपको ये रखना चाहिए कि उस शॉर्ट टर्म गोल में आपको कितना सर्टेनिटी है कि मेरे के ये इतने टाइम के पास पैसे की जरूरत है, समझ रहे हैं हम। सपोज आपसे मैं 3 साल तक रख सकता हूं मगर मेरे को शायद 6 महीने में सडनली पैसे की जरूरत होगी, तो मैं कहूंगा कि सुपर शॉर्ट टर्म जहां पे लिक्विड फंड्स, ओवरनाइट फंड, मनी मार्केट फंड, अल्ट्रा शॉर्ट टर्म, ऐसी डेट के एसेट क्लास में ज्यादा निवेश किए। मगर अगर क्लैरिटी है आपको कि 3 साल के लिए मेरे को पैसे को छूना नहीं है, तो 3 साल के बाद ही आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट शुरू होता है, तो मैं कहूंगा कि तब आप ड्यूरेशन फंड्स जिसको कहलाते हैं
उनमें निवेश कर सकते हैं। और फाइनल चीज यह है कि एक क्रेडिट रिस्क एक कैटेगरी है जहां पे कुछ सालों से बहुत दिलचस्पी थी और अभी एक साल से कुछ हादसा होने के कारण उधर कुछ दिक्कत हो रही है। तो क्रेडिट रिस्क फंड्स के बारे में मैं कहूंगा कि दे आर ऑलमोस्ट एज रिस्की एज इक्विटी। तो डेट के अंदर क्रेडिट रिस्क कैटेगरी को आप इक्विटी के साथ जोड़ दीजिए क्योंकि उसमें भी वही हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड स्टेटस होती है। तो नॉर्मल डेट फंड जो मैं कह रहा हूं बात शॉर्ट टर्म के लिए, उसमें क्रेडिट रिस्क को शामिल मत कीजिए। जितना भी आपका इक्विटी असर का एलोकेशन का शेयर हो उसके अंदर थोड़ा क्रेडिट आप ले सकते कुछ में भी जानकारी के बाद। और फाइनली हाइब्रिड कैटेगरी की भी बात करी, वहां पे भी जैसे आपने कहा बहुत तरीके के फंड है। एक तरफ है एग्रेसिव इक्विटी हाइब्रिड जहां पे 70% इक्विटी में होती है और दूसरी ओर ये कंजर्वेटिव जो डेट ओरिएंटेड हाइब्रिड जहां पे 70% डेट में होती है। और इनके बीच में इक्विटी सेविंग्स एक कैटेगरी है, यहां पे 30% to 35% डेट में होता है, 30% to 35% इक्विटी में होता है और बैलेंस को आर्बिट्राज के कैटेगरी में निवेश करते हैं फंड मैनेजर ताकि आपको इक्विटी की टैक्सेशन मिले ऐसी फंड से मगर वॉलिटिलिटी भी कम रहे इक्विटी से। तो ये और एक कैटेगरी है। और फाइनल कैटेगरी में कहूंगा जिसका है डायनामिक एसेट एलोकेशन या बैलेंस एडवांटेज, जहां पे आपको डाउट है मन में कि मेरे को कितना इक्विटी करना चाहिए कितना डेट करना चाहिए, तो आप फंड मैनेजर के हाथ में उसको सौंप दे डिसीजन को कि फंड मैनेजर इक्विटी की वैल्यूएशन की स्थिति इकोनॉमी की ग्रोथ की स्थिति को देखकर अपने डेट को ऊपर नीचे कर सकता है इक्विटी को ऊपर नीचे कर सकता है। तो ये बैलेंस एडवांटेज कैटेगरी को आप मैं कहूंगा कि एक अनसर्टेन एरिया जैसे कहते हैं क्लाउडी एरिया आपको क्लैरिटी नहीं है तो उसमें डाल दीजिए ताकि इक्विटी मैनेजर या डेट मैनेजर आपका मदद करे उसमें से। तो सर जैसे कि हमने बताया कि हर इन्वेस्टर्स के पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं लेकिन उनको चूज करना है कि उनके हिसाब से कौन सा सही है, लेकिन हर कैटेगरी के अंदर भी हमारे पास बहुत ऑप्शंस हैं जैसे कि आपने बताया। आई थिंक इससे काफी कुछ सीखने को मिला होगा हमारे इन्वेस्टर्स को। एक फाइनल पॉइंट इसी बात के संबंधित में कहूंगा कि फर्स्ट स्टेप बिफोर आप ये सब डिसीजन लेते हैं शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म, चाहे वो शॉर्ट टर्म हो या लॉन्ग टर्म, आपको अपने आप के बारे में पूरी जानकारी एज अ फाइनेंशियल इन्वेस्टर आपको समझने की जरूरत है कि क्या आपकी रिस्क की एपिटाइट कितनी है। और रिस्क की एपिटाइट माने अगर मैंने कुछ डिसीजन लिया और कुछ महीनों के लिए मेरे को लॉस स्थिति आई, क्या आप डर के भागने वाले हैं या से कहेंगे कि नहीं डर के आगे जीत है। तो ये आपको जो लोगों के मन में जो होता है ये अलग लोगों का उनकी बैकग्राउंड उनकी यूथ या चाइल्डहुड कैसी रही उनकी जेनेटिक मेकअप कैसी है उनके फैमिली में कितने डिपेंडेंस है ये सब कुल मिला के डिसीजन लेता है। मगर ये जानना हर इन्वेस्टर के लिए मैं कहूंगी कि सबसे अव्वल नंबर चीज है कि आप अपने आप के बारे में आपका रिस्क एपेटाइट जज कीजिए और कहीं पे पेपर पे लिख दीजिए ताकि उस पेपर को आप कभी देख सके क्योंकि आपका रिस्क एक तरीके से फिक्स हो जाएगा उसके बाद आपके इन्वेस्टमेंट आप वेरी कर सकते हो ताकि आपके रिस्क के साथ वो इन्वेस्टमेंट मीट होती रहे और उसके बाहर ना निकले। करेक्ट सर, ये बहुत अच्छा आइडिया दिया आपने लोगों को कि आप लिख सकते हैं अपना रिस्क प्रोफाइलिंग कर सकते हैं, जो जो सर ने बताए वो पैरामीटर्स लिख सकते हैं या इसके अलावा और भी पैरामीटर्स लिख के अपना एक प्रोफाइलिंग करके रख सकते हैं रिस्क का और फिर आप मैच करना स्टार्ट कर सकते हैं कि कौन सा म्यूचुअल फंड या कौन सा कैटेगरी आपके रिस्क के साथ मैच होता है और वहां पे आपको कितना पैसा एलोकेट करना है। तो सर चलते हैं अभी सेकंड क्वेश्चन के ऊपर। जैसे कि अगर हम डेट के बाद सेकंड कैटेगरी पे आ जाएं इक्विटी कैटेगरी, जो कि बहुत तरीके से इंपैक्ट होती है स्टॉक मार्केट से क्योंकि डायरेक्टली म्यूचुअल फंड भी वहीं पे जाके इन्वेस्टमेंट करता है और वो बहुत ज्यादा इंपैक्ट होती है जो स्टॉक्स कैसा परफॉर्म करते हैं, लार्ज कैप स्टॉक्स ने कैसा परफॉर्म किया, मिड कैप ने कैसा किया, सेक्टोरल है तो किसी सेक्टर ने कैसा परफॉर्म किया। तो जैसे ही अर्निंग सेशन स्टार्ट हुआ था जून खत्म होने के बाद तो बहुत सारे लोगों को बहुत सारा डर था, कईयों को बहुत सारी उम्मीद थी और जो रिजल्ट आया भी वो भी बहुत मिक्स बैग निकल के आया। आईटी कंपनीज ने आउट परफॉर्म किया लेकिन कुछ और कंपनीज देखेंगे आप तो वहां पे अभी भी हमें हीट दिख रही है कोविड सिचुएशन की। तो अभी आने वाले टाइम में कुछ इम्पैक्ट हमें समझ में आ गया लेकिन जो कुछ इम्पैक्ट अभी बचा है वो इस अर्निंग सेशन में कितना निकल के आएगा और इस अर्निंग सेशन में जो चीजें अभी कैप्चर नहीं हुई है वो आगे आने वाले अर्निंग सेशन में कैसे कैप्चर होने के चांसेस बन सकते हैं। तो मैं कहूंगा कि अर्निंग सीजन के ऊपर ध्यान देने से पहले आपको ये सोचना चाहिए कि स्टॉक मार्केट में आपको रिटर्न कैसा बनता है, क्योंकि जनरली ये बात कह जाती है कि लॉन्ग टर्म में मार्केट की रिटर्न और अर्निंग्स की ग्रोथ साथ में होते हैं और लॉन्ग टर्म में ये बात सही है। मगर इसमें एक थोड़ा समझने वाली बात यह है कि मार्केट ऑलवेज आगे की सोचती है,
जैसे आप भी अभी पूछ रहे हैं कि आगे वाले क्वार्टर की आगे क्या होगा, राइट? तो ये आगे की सोच जो होता है वो करंट जो अर्निंग्स आती है, राइट, उसकी सोच और आगे वाली की सोच बहुत फर्क होता है। क्योंकि जैसे अब की हालत में, क्यों मैं बता रहा हूँ, मेरी आंसर इसके संबंधित होगी कि जब एक वी शेप्ड रिकवरी की एक्सपेक्टेशन है कोविड महामारी के बाद, तो जो वी कहां पे तेजी से उड़ने वाली है, ये फ्यूचर का अंडरस्टैंडिंग इतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि ये क्वार्टर वाली अर्निंग्स। तो आपको एक ओवरऑल मैक्रो सिचुएशन में देखना चाहिए कि किसका बहुत, क्या कहूं मैं, असर बहुत ज्यादा हुआ है कोविड के कारण, और कौन सी चीज अगर ये महामारी हट जाती है, समझिए कुछ 6 महीने 1 साल 1.5 साल में हट जाती है, तो किसका लाभ होगा तब, ये समझना भी जरूरी है। क्योंकि आपने आप कहा ना आईटी कंपनी की नंबर्स अच्छी है, मैं ये भी कहूंगा कि ऑटो कंपनी की स्टॉक प्राइसेस बहुत बढ़ गई है रिलेटिवली, अगर ऑटो कंपनी की हालत बहुत खराब है अर्निंग्स, तो ये डिस्कनेक्ट आपको समझ दी। क्योंकि फ्यूचर में, क्योंकि लोगों का मानना है कि रूरल इंडिया में फसल अच्छी हो रही है, खरीफ की सोइंग अच्छी हुई है और दिवाली भी आ रही है, तो शायद व्हीकल का डिमांड बढ़ेगा, तो वो करंट अर्निंग्स को इग्नोर करके फ्यूचर अर्निंग्स को जज कर रही है मार्केट। तो आपको भी एक सोच ये रखना चाहिए कि नंबर को देखे एक बात, बट ये भी देखे कि फ्यूचर आउटलुक क्या है, इसकी नंबर कैसे बदल सकती है। क्योंकि फाइनल पॉइंट इसमें अर्निंग में क्या है कि हर अर्निंग्स जो डिस्क्लोज होता है मार्केट के अंदर वो YoY होता है, यानी पिछले साल। तो ये भी आपको मन में रखना चाहिए कि मेरी ये एक्सपेक्टेशन ऐसी है, मगर लास्ट ईयर अगर उसका बहुत गुड था तो इस ईयर गुड होने से ज्यादा फर्क नहीं होने वाला है ईयर ओवर अर्निंग्स पे। तो मैं कह रहा हूं कि अर्निंग्स को सिंपल सी बात, जस्ट अर्निंग्स देख के आपको जजमेंट नहीं लेना चाहिए, एक पास्ट का आपको अवेयरनेस होना चाहिए और एक फ्यूचर का एक एक्सपेक्टेशन होना चाहिए। इसके बीच में आप अर्निंग सीजन को देख सकते हैं। और मेरे मन में ये 23% की GDP की जो नेगेटिव ग्रोथ आई इस क्वार्टर में, अगले क्वार्टर में भी नेगेटिव ही GDP ग्रोथ रही, करीबन 9-10%। उसके अगले क्वार्टर में भी हम कह रहे हैं कि 2-3% नेगेटिव ही रहेगी, यानी इस साल का पूरा अर्निंग्स नेगेटिव। फिर उसका अगले क्वार्टर में हम 2-3% पॉजिटिव GDP ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो वी शेप रिकवरी में ऐसे ही आंकड़े आते हैं। तो मेरे ख्याल में ये एक्चुअल अर्निंग्स भी उसी स्थिति हालत को डिस्क्लोज करेंगे। सो ज्यादा उम्मीद के अगले क्वार्टर में अर्निंग्स बाउंस बैक आएगी ये नहीं रखने का, मगर आपको ये देखना है कि सुधार कितना हो रहा है। करेक्ट। तो अगर आप ट्रैक करें, इस क्वार्टर में अर्निंग्स था, इस क्वार्टर में अर्निंग्स नेगेटिव है, मगर इस क्वार्टर से क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेहतर हो रहा है, तो वैसे में अगर एनालाइज करेंगे तो आपको आसान हो जाएगा फ्यूचर को प्रेडिक्ट करते हुए। तब ही आपको पैसा बनेगा मार्केट के अंदर, क्योंकि बाय लो सेल हाई ना। तो बाय लो कब होगा, जब उम्मीदें बहुत खराब है सब के मन में, अगर मगर आपकी जानकारी थोड़ी बाकी से आगे है तो आप लो में बाय कर सकते हैं, और जब लोगों का सोच बदलता है तब आप बेच के प्रॉफिट बना सकते हैं। खुद से पूछना चाहूंगा आपसे कि आपने वी शेप रिकवरी की बात की, थोड़ा सा ऑफ ट्रैक है लेकिन मेरे दिमाग में भी डाउट आ रहा है, लेकिन बहुत से लोग ये भी बोलते हैं कि शायद वी शेप ना हो, डब्ल्यू शेप रिकवरी भी हो सकती है। तो यहाँ पे काफी सारे रिकवरी को लेके भी अभी बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन है लोगों के दिमाग में, तो ये क्या क्लैरिटी है मार्केट को कि वी शेप ही होने वाली है, या यहाँ पे भी कुछ चेंजेस होने के चांसेस हो सकते हैं रिकवरी साइड पे भी? तो मेरे मन में इकोनॉमी और मार्केट दोनों में वी शेप रिकवरी की बात हो रही है, राइट? तो जो बात आप कह रहे हैं कि क्या W हो सकता है, मार्केट में W शेप हो सकता है, मगर इकोनॉमी में मेरे ख्याल में V थोड़ा U की तरफ, यानी एक फ्लैटर V हो सकता है, मगर इकोनॉमी में मैं इसके ऊपर डाउन टर्न नहीं देख रहा हूं। W होता है कि एक राइज होती है फिर डाउन होती है फिर राइज होती है, तो पर इकोनॉमी में इससे ये खराब क्वार्टर सबसे खराब क्वार्टर रहा है, इससे खराब होने की उम्मीद नहीं है। तो इकोनॉमी वी में जाएगी, मे बी उतना शार्प नहीं होगा वी, थोड़ा वाइडर होगा, बट मार्केट में हो सकता है, क्योंकि मार्केट में खाली इकोनॉमी और अर्निंग्स नहीं है, लिक्विडिटी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, और लिक्विडिटी ड्राई अप होता है तो ऑटोमेटिकली मार्केट में करेक्शन आ सकती है, तो मार्केट में डब्ल्यू शेप आ सकता है। करेक्ट। तो यहाँ पे हमारे पास होने के चांसेस हो सकते हैं बट हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। बट जैसे आपने बोला कि ये दो चीजों के अलावा भी लोगों का कैसा सेंटिमेंट्स कैसा है, लिक्विडिटी रिसेंट के टाइम में बहुत ज्यादा पंप अप हुई है मार्केट के अंदर, बहुत सारे नए इन्वेस्टर्स आए हैं जिसकी वजह से लिक्विडिटी बहुत पंप अप हुई और बहुत हमने देखा अलग अलग चेंजेस मार्केट में देखने को मिले। तो सर इससे बाद में चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि सर बहुत से लोग बोलते हैं कि पेंडेमिक खत्म हुआ
उसके बाद जीडीपी के नंबर नेगेटिव आना स्टार्ट हुए, जैसे कि आपने अभी बताया भी, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी कर दिया जीडीपी को। तो उसके हिसाब से किसी एक आम आदमी को अपनी इन्वेस्टमेंट कैसे प्लान करनी चाहिए, क्योंकि लोग पहले सोच रहे थे कि अब मार्केट गिरेगा मैं अब इन्वेस्ट करूं, लेकिन फिर मार्केट ऊपर आ गया, अब लोग डर रहे हैं कि वापस नीचे जाएगा, तो बहुत कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। इस टाइम पे हमें जीडीपी को देखते हुए, मार्केट को देखते हुए, सिनेरियोस को देखते हुए मुझे अपनी इन्वेस्टमेंट कैसे प्लान करनी चाहिए। तो जैसे शुरुआत में हमने कहा था ना कि एक गोल की बात करी थी, करेक्ट, तो मैं कहूंगा कि गोल सेकेंडरी है, रिस्क एपेटाइट जानना आपका जरूरी है नंबर वन, नंबर टू स्टेप है गोल, एक गोल करना, और नंबर थ्री स्टेप है एक फाइनेंशियल प्लान उस गोल को मीट करने के लिए करना। तो ये तीन स्टेप प्रोसेस होना चाहिए। मगर ये गोल को लोग गलत समझते हैं, गोल सोचते हैं कि अच्छा मेरा रिटायरमेंट, मेरी जो बेटी की एजुकेशन या शादी, ऐसे सोचते हैं। नहीं, मैं कहता हूं कि गोल को आपको हर इन्वेस्टमेंट जो करते हो, हर इन्वेस्टमेंट का डिसीजन के पीछे एक गोल होना चाहिए। ओके, जैसे समझे आप स्टॉक भी खरीद रहे हैं या एक म्यूचुअल फंड में निवेश कर रहे हैं, हर इन्वेस्टमेंट जब आप डिसीजन लेते हैं तो एक पेपर में आप लिख लीजिए कि ये किस चीज के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए, राइट, और शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म के अंदर राइट एक डेट लिखवा दीजिए उसमें, या फिर एक रुपी अमाउंट जो उस इन्वेस्टमेंट से आपको उतना मल्टीप्लायर चाहिए, जो भी आपके मन में हो, राइट। तो अगर रुपी अमाउंट लिखा तो टाइम फ्रेम आपके हाथ में नहीं है। गोल होता है कि मेरे को करोड़पति बनना है, तो आप बोल रहे मैं इतना निवेश करूंगा कि जिससे मैं करोड़पति बनूंगा, उसमें टाइम फ्रेम नहीं होना चाहिए। और गोल होने का है कि मेरे को 2030 में पैसा चाहिए, क्योंकि मेरा कुछ इवेंट है उधर, सिल्वर जुबली वेडिंग एनिवर्सरी हो सकती है हमारी, या कुछ शादी आप प्लान करें। तो आइदर एक डेट बेस्ड गोल होना चाहिए या एक अमाउंट बेस्ड गोल होना चाहिए, और ये हर इन्वेस्टमेंट के लिए होना चाहिए, क्योंकि अलग अलग टाइम फ्रेम में आप करते हैं ना इन्वेस्टमेंट। तो मैं कहता हूं कि मैं क्या करता हूं कि हर इन्वेस्टमेंट जो मैं करता हूं उसका एक चिट्ठी लिखवा के रख लेता हूं कि ये इन्वेस्टमेंट ये गाड़ी खरीदने के लिए है 3 साल के बाद। तो मेरी एस्टिमेट में मेरी जो गाड़ी है आज उसकी दाम ऐसी है, इन्फ्लेशन के कारण और इतना बढ़ सकती है, उसको लिख देता हूं। और ये होता है फिर योर फाइनेंशियल प्लान कम्स इनटू प्लेस, क्योंकि आपने गोल्स को स्प्रेड आउट कर दिया, इन्वेस्टमेंट को गोल से मैच आउट कर लिया, फिर फाइनेंशियल प्लान तो ऑटोमेटिक आपका बन जाता है। तो ऐसी महामारी जब आती है तो आपके सब प्लान्स को टेढ़ा मेढ़ा करती है, क्योंकि गोल होगी तो मार्केट के मार्च में 30% करेक्शन आ गया। तो क्या, और भी एक इंपॉर्टेंट चीज है कि आप सोच लीजिए कि आपके जो गोल का टाइम फ्रेम, टाइम बेस्ड गोल होगा, तो ऑलवेज आप एक 2 to 3 years बिफोर दैट का टाइम फ्रेम लिखवा दीजिए, ओके, राइट। और अगर आपको मनी बेस्ड गोल है तो जब भी वो पैसा बनता है तब आपका मूड या मन बदलने का नहीं, अगर तो 1 crore रखा आपने तब तो मार्केट बूम में होगी, तो आपने सोचा अरे मेरा 1 crore है, ये मार्केट बूम है तो ये 3 crore हो सकता है अगले 3 साल में। ये ग्रीड आपको निकालनी चाहिए, और वो 1 crore का गोल लिखा था, आ गया गोल तो लिक्विडेट करके सीधा आप उसको लिक्विड फंड में डालिए या बैंक अकाउंट में डालिए, उसको छूने का नहीं। ये डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। सिमिलरली टाइम फ्रेम में मैं कहूंगा कि हर बार जो टाइम आपके मन में है उसको 2-3 साल पहले आप कट ऑफ कीजिए आपका टाइम फ्रेम, और उस टाइम फ्रेम में आप पैसे को निकाल दीजिए, चाहे आपके इन्वेस्टमेंट सक्सेस हो या फेलियर हो, एज लॉन्ग एज आपकी कैपिटल इरोड ना हो, यानी आपको नेट कुछ क्रिएट हो गया है तो आप उसको निकाल दीजिए, क्योंकि क्लोजर टू द रियल टाइम ऑफ द गोल आपको रिस्क नहीं होना चाहिए कि मेरे को आज पैसा चाहिए कल मार्केट गिरी। तो वो लास्ट 2-3 years को आप वापस उसको एक लिक्विड फंड या सेविंग्स अकाउंट या बैंक डिपॉजिट में डाल के रख दीजिए। तो ये सोच अगर हाथ में होती तो देन द ओनली पीपल हु विल बी वरीड इज जिसका से 2 साल के बाद, यानी 2024 में और 22 में या 24 में उनकी नीड है, और उन्होंने 2020 का टाइम रखा था, तो उनको चुप बैठना है, क्योंकि ये मार्केट की करेक्शन फिर उनको वापस उठाकर तब गोल की टाइम होती है। बट अगर उनकी गोल फरवरी में थी मार्केट की गिरावट के पहले और वो गोल आ गया तो उनको तुरंत निकालना चाहिए था। तो ये मैं कहूंगा कि ये 4 चीज चाहिए, रिस्क असेसमेंट, गोल प्लानिंग फॉर ईच इन्वेस्टमेंट, फिर ओवरऑल एक फाइनेंशियल प्लान, और फाइनली एक टाइम टाइम विंडो बिफोर यू नीड द मनी, जब, राइट। ये 4 नहीं, इसके ये लास्ट वन का नाम मैं कहूंगा डिसिप्लिन, करेक्ट।
तो ये डिसिप्लिन के साथ आप रखेंगे तो ऐसी महामारी आएगी, मैं ये नहीं कहता कि झटका नहीं होगा, मगर फिर भी आपके जो ओवरऑल प्लान में उतना दिक्कत नहीं आएगा जितना कि अगर आप पूरे इक्विटी में डाल के भरोसेमंद उधर ही बैठ रहे हैं तो आपको बहुत नुकसान हो सकता है। तो ऐसी एक डिसिप्लिन अप्रोच लेने से मैं कहता हूं कि आपकी डाउनसाइड प्रोटेक्ट हो सकती है और आपको अपसाइड भी मिलने की कुछ आशा रख सकती है। सर आपने बहुत अच्छा पॉइंट बताया, जो दो तीन साल पहले वाला जो आपने बताया, क्योंकि ये बहुत से इन्वेस्टर्स को नहीं पता होता है और उनको बफर टाइमिंग मिल जाता है अपने इन्वेस्टमेंट पहले निकालने का, लाइक उनको बॉटम पे जाके लिक्विडेट करने का रिस्क जैसे कि आपने समझाई दिया बहुत डिटेल में, बहुत ज्यादा खत्म कर देता है उस चीज को। चलिए सर चलता हूँ लास्ट क्वेश्चन पे, आई थिंक वो काफी हद तक वो क्वेश्चन कवर हो चुका है अपनी पहली डिस्कशंस में कि फंडामेंटल ऑफ इन्वेस्टिंग इज ऑलवेज द सेम और इसको हम कोविड के साथ कैसे लिंक कर सकते हैं। आई थिंक ये पूरे तरीके से आपने कवर कर दिया, बट अगर आप कुछ इसमें ऐड करना चाहें तो हमारे यही कहूंगा कि जो चीज मैंने कहा ना ये टेक्स्ट बुक वाली चीज एक तरफ से है, ये रियलिटी में इम्प्लीमेंट करना बहुत मुश्किल है, आसानी से मैं कह लेता हूँ। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप सबको ये एक डिसिप्लिन अप्रोच, जैसे आप अपने डाइट के ऊपर वेट लॉस के लिए या पढ़ाई के टाइम में जैसे था स्कूल के टाइम में एग्जाम के टाइम में, ऐसी एक डिसिप्लिन अप्रोच की जरूरत है। मेंटली आपको वो फ्रेम अपनाना पड़ेगा एज एन इन्वेस्टर, दैट्स मेन मोर इम्पोर्टेंट, इट्स ऑल इन द माइंड। जब तक डिसिप्लिन नहीं होगा तब तक अच्छी इन्वेस्टमेंट नहीं होगी, अच्छी इन्वेस्टमेंट में अगर डिसिप्लिन नहीं होगा तो आपके लॉस बनाने के चांसेस बढ़ जाएंगे और आपके प्रॉफिट बनाने के चांसेस कम हो जाएंगे और लोग आके बोलेंगे कि यहाँ पे प्रॉफिट बनता ही नहीं है। लेकिन एक्चुअल में अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हो तो बहुत लोगों का हमने देखा है जिन्होंने बहुत अच्छा रिटर्न बनाया है। जैसे कि सर ने बोला दोस्तों कि डिसिप्लिन इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आपकी पूरी अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी में, जब आपने स्टार्ट किया तब, जब आपने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तब, और जब आपको इन्वेस्टमेंट से निकलना है सही टाइम पे तब, तो डिसिप्लिन आपके हर स्टेज पे आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सर चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे, जो थोड़ा सा आपसे रिलेटेड आपके थोड़े पर्सनल क्वेश्चंस। तो सर सबसे पहला क्वेश्चन कि आप भी एक इन्वेस्टर हैं, आप एक एएमसी के एमडी हैं, तो दो या तीन सबसे इंपॉर्टेंट लर्निंग्स जो आपको एज ए इन्वेस्टर पूरा सीखने को मिला आप कितने लंबे एक्सपीरियंस से, क्योंकि शायद आपने बहुत अप्स एंड डाउन देखे होंगे। हम तो शायद पहला कोविड सिचुएशन देख रहे हैं, आपने इससे पहले 208 देखा, 99 भी देखा होगा आपने सर, तो वो सब चीजों से इसके अलावा क्या लर्निंग है जो आप हमारे इन्वेस्टर्स को बताना चाहते हैं? तो पहली लर्निंग मेरी है कि देर आर थ्री सर्टेनिटीज इन लाइफ, एक है आपका डेथ, दूसरा है आपकी टैक्सेस, और तीसरी बात है बिजनेस साइकिल्स। यानी कभी भी स्थिति ऐसी नहीं हो सकती है कि विदाउट बिजनेस साइकिल, और ये इसका सिंपल रीजन ये है कि इकोनॉमी में जो भी आप समझिए चीज एक डिमांड और एक सप्लाई को संबंधित होता है, तो ऑलवेज आप देखिए कि डिमांड कंटिन्यूअसली बढ़ता है या कंटिन्यूअसली गिरता है, इट्स अ लीनियर, बट सप्लाई एक एक बल्क में आता है, एक एक स्टेप लेवल में आता है। यानी हीरो होंडा अगर मोटरसाइकिल कैपेसिटी बढ़ाना है तो अगले साल उसको 10% सेल्स बढ़ रही है तो खाली 10% कैपेसिटी नहीं बढ़ा सकता है, उसको एकदम 50% कैपेसिटी बढ़ाने से अगले 5 साल के लिए वो टेक केयर करता है। तो ये एग्जाम्पल एक है मगर कई ऐसे। तो इसके कारण जब भी सप्लाई एक्सीड होती है तो एक्सेस दाम गिरते हैं और सप्लाई कम होती है दाम बढ़ते हैं, तो ये इनेविटेबिलिटी ऑफ साइकिल्स आपको समझना चाहिए। दिस इज द फर्स्ट लेसन मैंने सीखा फर्स्ट। सेकंड इसके संबंधित है कि नेवर लुक एट पास्ट परफॉर्मेंस टू डिसाइड द थिंग, बिकॉज जैसे साइक्लिकल है तो जिसने अच्छा साइकिल में अच्छा किया बुरा साइकिल में कोई गारंटी नहीं कि वो अच्छा करेगा। तो अगर आप साइक्लिकलिटी का इंपॉर्टेंस एक्सेप्ट करते हैं तो इमीडिएटली आपको यह समझ आएगी कि परफॉर्मेंस ऑफ द पास्ट इज नॉट रेलेवेंट, बट एक स्थिति में रेलेवेंट है, कब, जबकि आपके स्टडी के कारण आपको लगता है कि ये डाउन साइकिल है, तो प्रीवियस डाउन साइकिल में जो परफॉर्मेंस रही थी उसका संबंध आने वाले डाउन साइकिल। सो ब्लाइंडली पास्ट परफॉर्मेंस को नहीं देखना चाहिए, जैसे आपने कहा ना 2008 के हादसे में क्या हुआ मार्केट में, तो इस हादसे में भी आपको वो एक लर्निंग, हिस्ट्री इज अ ग्रेट टीचर मगर राइटली अप्लाइड। तो सेकेंड चीज जो मैंने सीखा है कि पास्ट परफॉर्मेंस को ध्यान से इस्तेमाल करना चाहिए इन अ राइट वे, कि जो आने वाली स्थिति की एक्सपेक्टेशन है वैसी स्थिति की पास्ट में कौन से सेक्टर, कौन से फंड, कौन से इसकी कैसी रही परफॉर्मेंस, देन यू कैन एक्सपेक्ट के हिस्ट्री विल रिपीट इटसेल्फ। ये सेकेंड लर्निंग है। थर्ड लर्निंग जो है
ये है कि आप परचेज का एक डिसीजन करते हो और सेल का एक डिसीजन करते हो. वेरी ऑफन इनिशियली मेरी मिस्टेक्स थी कि मैं जो परचेज के डिसीजन के बेसिस के ऊपर सेल का डिसीजन ले रहा था. वेर एज आपकी परचेज डिसीजन और सेल डिसीजन दोनों अलग चीज है. सो वंस यू हैव बॉट, समझिए कि आज मैं नॉन स्टॉक मार्केट एग्जाम्पल से आपको ये रिजल्ट देता हूं. मैं गाड़ी खरीदता हूं, खरीद लिया गाड़ी, आज 7 लाख में गाड़ी खरीदा. जैसे पता है आपको, नई गाड़ी का शोरूम से बाहर निकलते ही उसकी दाम 25% गिर जाती है. राइट? अब मेरे को क्या है कि एक नई गाड़ी अच्छी लगी, दूसरी नई गाड़ी मेरे को वो खरीदना है, मगर ये नुकसान मेरे मन में बढ़ता है कि 7 लाख का गाड़ी आज 5 लाख में है, तो मैं वो नई गाड़ी जो मेरे लिए अच्छी चीज है, जो अभी 5 लाख 6 लाख में बिक रही है, तो मेरे को ये 7 से 5 का नुकसान मन में दिखता है, तो मैं वो डिसीजन नहीं लेके ये खराब गाड़ी के साथ ही मैं काम चला लेता हूं. सेम विद द स्टॉक मार्केट, आपने परचेस कर दिया, उसके बाद मार्केट करेक्ट हो गया तो नुकसान है, तो रिकॉग्नाइजिंग दैट लॉस, राइट? ये प्रॉब्लम होती है कि कुछ फ्यूचर डिसीजन मेकिंग में, वेयर एज आपको फ्यूचर देखना चाहिए. मैंने स्टॉक 7 रुपए पे खरीदा, आज 5 रुपए में 2 रुपए का नुकसान है, बस हो गया नुकसान, वो पास हिस्ट्री है. आज मेरे फ्रेश, अगर आप कंटिन्यू करते हो इन्वेस्टमेंट को, समझिए वो फ्रेश इन्वेस्टमेंट डिसीजन है. तो फ्रेश इन्वेस्टमेंट डिसीजन में नई स्टॉक 5 रुपए में लूं या इसको 5 रुपए में कंटिन्यू करूं, वो डिसीजन में, या पुरानी बात कि 7 में मैंने खरीदा और अभी 5 में है, उसको बिल्कुल मन से हटाना चाहिए. Correct. उसका इस डिसीजन से कोई संबंध नहीं है. तो सेपरेटिंग द बाई डिसीजन फ्रॉम द सेल डिसीजन इज द मोस्ट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लर्निंग जो मार्केट ने आके मुझे सिखाया, उसके पहले मेरे को ये नहीं. सो आई थिंक दीज आर द 3 लर्निंग्स फॉर मी इन द मार्केट. सर ये आपने बहुत अच्छी चीज बताई है, इंडिपेंडेंट रखने वाली, बाइंग एंड सेलिंग शुड बी कंप्लीटली इंडिपेंडेंट, उनमें कोई कनेक्शन नहीं होना चाहिए, और जो पैसा चला गया that should not be a reason for making any future decisions. That should not play a part. And not selling that old stock or old mutual fund is also a decision. Right? It's not necessary that is a purchase. आप evaluate करते हो portfolio को, or you are taking a decision. So when you say कि मैं कुछ नहीं करूँगा, वो भी एक decision है. So that decision also should not take into account the past. Correct. उसको कहते हैं sunk cost, ignore sunk cost. ये financial planning में, management में एक बहुत बड़ी lesson है। मैं इस term का use करने ही वाला था जब आप समझा रहे थे, तो मैंने सोचा कि technical हो जाएगा sunk cost. ये MBA, BCom, like finance में हर जगह पढ़ाया जाता है. Correct. ठीक है सर. Thank you sir. Thank you very much. तो मेरे questions का list यहाँ पे खत्म हो जाता है. लेकिन जैसे सर ने बताया, आपको बहुत ज्यादा जीनियस होने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ आपको इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर्स जरूर बनना है. आपको पता होना चाहिए कि आपका इन्वेस्टमेंट कहाँ है, आपने जहां पे इन्वेस्टमेंट किया है आपकी कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है. अगर आप इन सब चीजों का ध्यान रखिए, एक अच्छे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, अच्छे स्टॉक में कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आपका एक अच्छी रिटर्न बनाने के चांसेस बढ़ जाते हैं. तो आज हम इस सेशन को एंड करते हैं. थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच. मैं फिर से आपको थैंक यू बोलना चाहूंगा पूरी ग्रो फैमिली की तरफ से कि आप हमारे यहाँ पे आए, और बहुत अच्छा लगा हमारे इन्वेस्टर्स को. थैंक यू. अब सब पूरी ग्रो फैमिली की मेरी शुभकामनाएं. थैंक यू सर, हैप्पी इन्वेस्टिंग, बाय. थैंक यू.